हेलो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 7 हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल फाइन देयर सो स्टूडेंट्स नाउ इन अ ड्राइंग चैप्टर नंबर सिक्स वी आर कंटिन्यूइंग एंड नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ फाइन राइटिंग व्हाट इज कैलीग्राफी हियर इज अ डेफिनेशन कैलीग्राफी मींस कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग राइटिंग के एक स्टाइल है दिस फाइन पेनमैनशिप इज नॉट पॉसिबल विथ प्रेजेंट डेज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट अभी जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो राइटिंग के लिए बोल पेन इंक पेन दिस इज नॉट इनफ राइट दिस आर नॉट इनफ इंस्ट्रूमेंट कॉलीग्राफी लिवज एंड इंडिविजिस्टिक इम्प्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑन द पीपल यू आर कम्युनिकेटिंग विथ इट इज पॉसिबल ओनली इफ यू नो हाउ टू कॉलीग्राफ और द मेथड ऑफ कॉलिग्राफी आज के जमाने में जो हम राइटिंग लिखते है तो डिपेंड्स के हमारे साथ कौन है हम किसके साथ कॉम्युनिकेशन करते इट इज वेरी पॉपुलर न उसका फाइन आर्ट है राइटिंग का कोलिग्राफी और उसके स्पेशल एलिमेंट्स है द निब्स निब्स प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन अ फाइन राइटिंग ये फाइन राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल क्या है निब है तो नीब देर आर टू टाइप ऑफ नीब ए द स्ट्रेट कट नीब्स एंड द राउंड कट नीब्स द स्ट्रेट कट नीब इट इज बेस्ट फॉर ट्रेडिशनल कॉलीग्राफी वी स्क्वेर ऑफ द फॉरवर्ड एंड ऑफ द नीब नीब के आजू बाजू स्क्वेयर जैसा है दिस प्रोडक्ट थी एंड थीन लाइन वाइल राइटिंग जब आप लिखते हो को तो थीन और थिक दोनों लाइन करती है जैसे कि ये देखो हियर इज स्टार्टिंग टू ड्रो दिस लाइन बट यहाँ पे थीन है और यहाँ पे थिक हो गया तो ये नीब की ही करामत है राइट right? और दूसरा है द राउंड कट नीब द राउंड कट नीब इज द करेक्ट नीब फॉर ओल्ड टाइप ऑफ राइटिंग ओल्ड टाइप ये है राउंड टाइप uh, देखो राउंड कट नीब specially where individual letters are to be made up of stroke with uniform line with तो ये निब राइटिंग के लिए वो बहुत काम आती है और यहाँ इन देखो टेक्निक तो टेक्निक क्या है उसकी पर्टिकुलर आपको इसको जैसे कि 90 डिग्री क्या है ये है राइट बट ऐसे हम नहीं लिख सकते वी कांट सो इसको आपको पर्टिकुलर एक वे से उसको लिखना पड़ेगा मतलब कि पकड़ना पड़ेगा फर्स्ट टाइम थर्टी एंगल पे ये अगर पकड़ सकते हो तो ऐसे फोर्टी से थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे आप उसको होल्ड करने के भी यहाँ पे तरीके हैं और उससे वो पर्टिकुलर एंगल से आपको ये पकड़ना है नीब को और उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है ये मैं आपको शॉर्ट में वही बताती हूँ पूरी समरी के 45 एंगल से या 30 एंगल से कुछ भी आप लिखना चाहो वो पर्टिकुलर लिखना है लेकिन होल्ड नी फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड जो पहले आपने लिखना शुरू किया तो पेन ऐसे रखी तो सेम वे लास्ट तक पेन को नहीं घुमाना है उसका एंगल नहीं बदलना है राइट और दूसरी बात कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट वो स्ट्रोक है वो भी आपको चेंज नहीं करना है तो नीब शुड बी पुल्ड एंड नॉट पुस्ट उसको आपको ऐसे खींच के ऐसे लिखना है ऐसे नहीं आप जब लिखते हो बॉल सॉरी नोटबुक में तब तो ऐसे घिस घिस के लिखते हो पेन पेंसिल राइट या तो पेंसिल से बट इसमें क्या है ये निब का कि आपको ऐसे खींच के लिखना है ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा डिजाइन करना है इसलिए डिजाइनिंग राइटिंग है इसलिए राइट right? तो ये है कॉलोग्राफी यहाँ पे उसके एग्जाम्पल आप गूगल से सर्च करके देख सकते हो या तो मैं आपको उसकी एक लिंक भी भेज दूंगी या तो कोई फोटो कि आपको पता चले कि क्या है ये राइटिंग ठीक है यहाँ पे भी वही है राइटिंग देखो ये सिंपल राइटिंग है यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का है और ये है बेज लाइन बेस लाइन से शुरू करके ऊपर की तरफ ये देखो फाइन आर्ट है तो ये राइटिंग की अलग अलग मेथड है फर्स्ट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो टाइपिंग टाइप्स ऑफ लेटरिंग दिस आर बोल्ड मीडियम एंड लाइट ये हम कंप्यूटर uh, में भी सीख गए ये बोल्ड है ये थोड़ा मीडियम है और ये लाइट है राइट right? तो हाईलाइट भी करना भी जरूरी है हाईलाइट के लिए भी ये नीब काम आती है याद है मैंने सिखाया था आपको वर्ड में कॉम्प्यूटर में तो ये ऐसा ब्रश होता है थोड़ा थिक जैसा तो वो ऐसे हाईलाइट देखो यहाँ पे येलो कलर से ये हेडिंग है तो हाईलाइट किया हुआ है, है ना फिर उसके अंदर ब्लैक कलर से राइटिंग लिखा है तो ये भी आ, राइटिंग एक तरह की आ, फाइन आर्ट ही है द हाइट ऑफ द तो बोल्ड लेटरिंग इज इक्वल टू तो फाइव नीब विथ हाई तो नीब की जो विथ है उसके हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं राइट तो ये यही है स्टूडेंट्स इसमें राइटिंग के बारे में ही समझाए तो दिस इज आल्सो फॉर न्यू फॉर यू राइट व्हाट इज कॉलियोग्राफी तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग uh, पॉइंट था आप ज्यादा देखने के लिए मैं आपको लिंक भेजूंगी आप उसमें देख लेना और फिर कोई क्वेश्चन है यू कैन मी एनी टाइम थैंक यू वेरी मच